आप आसिम रजा साहब जो काम ये खुद कर चुके हैं ये हमेशा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आपने देखा सेनेट की सादिक संजरानी और आसिफ बिजन जो के जो हमारी अक्सरियत थी उसको अकलियत में इन्होंने पैसों से बदला, इन्होंने हमेशा वोट खरीदे, इनका माजी रहा है। हमने ना किसी को ऑफर दिए ना ये खुद अपने मेम्बरान को इन्होंने अगवा करके केपीके में रखा हुआ है। पीटीआई के जो अपने एमएनए हैं उनके उर्सा वो वीडियो छोड़ रहे हैं कि हमारे अपने एमएनए हमें वापस हलकों में भेजे जाए। इन्होंने केपीके में उनको छुपा के अताब में रखा है और इनसे शिकायत आ रही है। हमने किसी को अगवा नहीं किया। और आपने देखा जब इनकी सेनेट की इलेक्शन थी गिलानी साहब ने जो जीती थी उस वक्त भी इनके मेंबरान को इन्होंने हस्ते भेजा में रखा, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। जनरल फेज उनको अगवा करके ले गए थे, किसी को कंटेनर में रखा था, वो भी रिकॉर्ड पे चीजें हैं। ठीक है, पाकिस्तानी कौम भूलती नहीं है। ये सारी कार्रवाइयां वारदातें खुद कर चुके हैं, खुद किसी अक्सरियत को अकलियत में बदल चुके हैं। तो आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम जमहूरी अंदाज से इस आईनी तरामीम को करने जा रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती कोई बंदूक की ताकत से हम ये नहीं करा रहे। हम मुशावरत का जो सियासी अमल है उसको वो जारी है और जारी रहेगा। हम पीटीआई के दोस्तों को भी ये कहते हैं अगर आप इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे सियासत पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो आप आए अपने जिस आज भी ये